सच बताऊं तो मैं मोदी जी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूं, क्योंकि वो देश के बहुत ही बढ़िया नेता हैं। एज ए लीडर वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं। तो वेलकम आप करने जाएंगी? बिल्कुल जी। क्या तैयारी, क्या है मन में आपको मोदी जी आने? सर बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब इंडियंस के लिए, क्योंकि हम हमारी पहचान बढ़ेगा, उनके लिए चीजें और आसान होगी। क्यों नहीं सर, इससे पहले ही बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी भारतीय कम्युनिटी के लिए आसान हो चुकी हैं। हमें इमिग्रेशन में ज्यादा समस्या नहीं होती, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, हम ग्लोबली ट्रिलियन बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के बारे में बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया काम जो है वो मोदी जी के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और रही बात ग्रीस की, तो ग्रीस में जो है वो यही सबका यही है कि अच्छा कार्य होगा, मोदी जी अच्छे जो भी वो संकल्प लेके आए हैं वो पूरा करेंगे, हमें उन पे पूरा विश्वास है। अब मोदी जी आ रहे हैं सर, ये हमारी गुड लक है, क्योंकि हमारा स्टेटस जो इंडिया का है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे ग्रीस में। तो अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यापार के लिए और अच्छे रास्ते खोल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहती हूँ इंडियन एम्बेसी का, जिनकी एफर्ट्स की वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है, और पूरी इंडियन कम्युनिटी की ओर से मैं मोदी जी का वेलकम करती हूँ। पंजाबी लस्सी पिलाने का प्लान है कि? बिल्कुल जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट में लस्सी चलती है जी, मक्की की रोटी और साग। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है, हम तो अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। जब 40 साल पहले आए थे तो हमें पता ही नहीं था, उस समय तो हम लोग यहाँ पर थे नहीं, और आज पहली दफा ये आ रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, 40 साल के बाद आ रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमारे बहुत ज्यादा इस चीज को दिल में चाहत है कि हम कभी जब भी आए वो और हम उनके दर्शन कर सकें, हम तो बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। और उन्होंने हमारे लिए या इंडियंस के लिए इतने काम कर लिए हैं कि इस मुल्क में ग्रीस में अगर पुलिस चेक करती है या कोई किसी किस्म की चेकिंग होती है तो जब पता लगता है उनको कि ये इंडियन है तो कहते हैं ठीक जाइए, दूसरी कम्युनिटी वाले को पकड़ लेते हैं। तो हमें इस चीज का फखर है कि हमारे इंडिया का इतना नाम अच्छा है, हमारे इंडिया का जो झंडा है उसकी इतनी कदर है कि आपको इसके ये बयान दे सकते हैं कि जब वहां पर ये हुआ था कांड अपना क्या कहते हैं रशिया में, और वहां से जब लोग निकल रहे थे तो जितने भी लोग थे वो लोग सब झंडा पकड़ के, इवन दो पाकिस्तानी भी और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी, सिर्फ उन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था और वो झंडा पकड़ के वहां से निकल गए, क्योंकि उस झंडे की उस तिरंगे की इतनी ताकत है कि उसकी वजह से दूसरे कम्युनिटी वाले भी वहां से निकल गए। तो हमें बहुत खुशी है इस चीज के लिए और बहुत एक्साइटेड हम इस चीज के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।